फ़ोनपे का यूज़ लगभग हर लोग करते हैं। देखिए, मगर फ़ोनपे में एक कंडीशन ये है कि अगर आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, उसके बाद अगर यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आपके पास आपके बैंक का डेबिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है डेबिट कार्ड का डिटेल्स लगता है, फिर ओटीपी वगैरह आता है, उसके बाद जो ही आप यूपीआई पिन बना सकते हैं, और बिना यूपीआई पिन बनाए हुए आप ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। फ़ोनपे में एक नया अपडेट आया है, तो वो अपडेट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए दोस्तों, फ़ोनपे एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका यूज़ सभी लोग लगभग करते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए, पेमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको डेबिट कार्ड अगर आपके पास है आपके बैंक का, तो आप यूपीआई पिन बना सकते हैं। यूपीआई पिन नहीं बनाइएगा तो आपका ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो इस चीज़ को देखते हुए एनपीसीआई ने एक नया अपडेट लाया था कुछ दिन पहले ही, कि आप अपने आधार कार्ड के डिटेल से भी यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो ये फीचर सबसे पहले भीम एप्लीकेशन के अंदर आया, उसमें भी बहुत कम ऐसे बैंक है जो अभी इस फीचर को, रिसेंटली जो है पंजाब नेशनल बैंक ने इस फीचर को इनेबल किया है। तो ये चीज़ें फोनपे में भी आ चुकी है, जैसा कि लेटेस्ट न्यूज़ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा न्यूज़, बहुत सारा आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा कि फोनपे जो है इनेबल करने वाला आधार बेस्ड यूपीआई को। इसमें क्या होता है कि आपको अपने डेबिट कार्ड के जगह पे, मतलब यूपीआई पिन जब आप बनाने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पर डेबिट कार्ड के जगह पे आपको क्या करना है, अपने आधार कार्ड डिटेल्स डालना है। उसके बाद प्रोसेस सेम होगा जो आपका भीम एप्लीकेशन के अंदर होता है, वही फोनपे में भी होगा कि आप अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे। एक चीज़ आपको ख्याल रखना होगा कि आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर ऐड है, वही मोबाइल नंबर आपके आधार में भी ऐड होना चाहिए, तो ये फीचर आपके लिए इनेबल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पहले आप डेबिट कार्ड का डिटेल्स वगैरह डाल के ही अपने यूपीआई पिन को बना सकते हैं। अब क्या होगा कि इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर डेबिट कार्ड और आधार दोनों डालने का ऑप्शन आएगा। तो आधार को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ परमिशन मांगेगा, आप यस कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपको अपने आधार का फर्स्ट 4 डिजिट या फिर लास्ट 6 डिजिट ऐसा डालने के लिए ऑप्शन आएगा, जो भी आपको डालने के लिए इनेबल किया जाएगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद क्या होगा कि आपके आधार से एक ओटीपी आएगा, यानी आपके आधार नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको इंटर करना होगा। उसके बाद बैंक से भी एक ओटीपी आएगा, उस बैंक वाले ओटीपी को भी इंटर करेंगे। दोनों को इंटर करने के बाद अगर वेरिफिकेशन हो जाता है आपने सही इंटर किया है, तो फिर क्या होगा कि आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। फोनपे का डायरेक्टर जो है, उन्होंने भी कहा कि हम इसको इनेबल कर रहे हैं ताकि लोगों को सहूलत हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसके पास अपना डेबिट कार्ड नहीं है। तो डेबिट कार्ड नहीं है जिसके पास, तो वो लोग जो है अपने आधार नंबर को यूज़ करके जो है यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना चाहिए।